अब आपकी रेसिपी तैयार कर रहे हैं। इसको नोट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसको तैयार करने के लिए आपको जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। इसके लिए आपने 1 kg प्याज लेना है, इस तरह से आपने मोटा मोटा काट लेना। मोटा मोटा काटने के बाद आपने इसको चॉपर मशीन में डालना है और इसको चॉप कर लेना। इस तरह से आपने 8 से 10 हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर देनी है और प्याज के साथ इसको भी चॉप कर लेना। ये देखें, इस तरह से आपने प्याज और हरी मिर्चों को चॉप करके निकाल लेना। अब आपने 2 kg कीमा लेना है, चर्बी वाला, इसको भी चॉपर में डाल के आपने चॉप कर लेना। 1 टीस्पून अब आपने इसमें काली मिर्च डाल देनी है। 1 टेबल स्पून इसमें आपने गर्म मसाले का पाउडर शामिल कर देना है। 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर शामिल कर देना है। 2 टेबल स्पून आपने दादरा व सूखा धनिया शामिल कर देना। इस तरह से आपने इसको दादर लेना। 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर को शामिल कर देना। हसबे ज़रूरत नमक। 2 टेबल स्पून अनारदाना, इसको भी आपने दादर लेना है। इस तरह से 1 आपने कच्चा अंडा शामिल कर देना। इस तरह से 4 अदद आपने इसमें चॉप टमाटर शामिल कर देने, इसके बीज निकाल लेने और इनको शामिल कर देना। 4 अदद आपने बॉयल अंडे लेने, उनको इसमें शामिल कर देना। इस तरह से अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस तरह से आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। ये देखिए, इस तरह से प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर, हर चीज़ हमने इसमें शामिल कर दिया और इस तरह से आपने मिक्स कर लेना। फिर साथ ही आपने 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्चों को शामिल कर देना इस तरह से और फिर मिक्स कर लेना। अब हम इसमें 1 कप भुने हुए चनों का पाउडर शामिल कर देंगे। 1 कप आपने इसमें ब्रेड क्रम्स शामिल कर देनी है। कीमे की बाइंडिंग के लिए हम ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर रहे हैं। 2 टेबल स्पून इसमें मैदे को शामिल कर देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना। ये देखें, इस तरह से आपने कीमा लेना है, इसको टिक्की की शेप देनी है। ऊपर आपने इसके एक टमाटर रखना है गोल स्लाइस में काट के। इस तरह से आपने चपली कबाब तैयार करने हैं। ये देखें, इस तरह से आपने टिक्की की शेप देनी है। इस तरह से आपने तैयार करने हैं। ये देखें, इस तरह से आपने चपली कबाब तैयार करना है। दूसरी तरफ आपने तवा रखना है, उसके ऊपर घी डाल देना है और घी गर्म होगा तो आपने चपली कबाब को इसके ऊपर रख देना है। इस तरह से आराम से इस तरह से आपने चपली कबाब रखते जाना है। ये देखें, जब भी नीचे से तैयार हो जाएगी आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। इस तरह से आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। देखें आराम से, आराम से। ये देखें, इस तरह से आपने चपली कबाब तैयार करना है। ये देखें कितने ज़बरदस्त, देखें टूटा भी नहीं, टूटना नहीं चाहिए, टूट गया तो इसका मतलब ख़राब हो गया। इस तरह से आपने तैयार करना है चपली कबाब, इसमें ज़बरदस्त इस तरीके से आपने तैयार करते जाना है। और इसका कलर देखें, इस तरह का गोल्डन कलर आएगा। इस तरीके से आपने गोल्डन कलर लाना है और इसको तैयार करना है गोल्डन कलर, और साइड पे करते जाना है ताकि इसके नीचे भी प्यारा सा कलर आ जाए। ये देखें, अब ये बिल्कुल तैयार है, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखें, इस तरह से आपने तैयार करनी है। देखिए कितनी ज़बरदस्त मज़े की तैयार हुई है। इस तरह से चपली कबाब आपने घर में तैयार करना है। सैलड के साथ आप इसकी सर्विंग करें, रायते के साथ इसकी सर्विंग करें, चटनी अगर आपके पास है उसके साथ इसको सर्व करें। बहुत मज़े का टेस्टी तैयार होते हैं। इस तरीके से आपने चपले कबाब की रेसिपी घर में तैयार करनी है। ये देखें कितना मज़े का और टेस्टी तरीका हमने आपको बता दिया चपले कबाब को घर में तैयार करने का। इसी तरीके से, इसी मेथड से आपने चपले कबाब की रेसिपी घर में तैयार करनी है। ये देखें ज़बरदस्त, आप इसको ज़रूर घर में ट्राई करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको हमारी चपले कबाब की रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट टाइम हम और मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।